शहर में पतंगबाजी के बढ़ते वाकयात हादसात मामूल बन गए। पुलिस का पतंगबाजी पर सजा बढ़ाने के लिए एक बार फिर मुरासला भेजने का फैसला। जबकि धाती डोर पतंगों की तैयारी पर 1 से 5 साल कैद की सजा होगी। मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन धाती डोर की वजह से अमवात बढ़ने पर आईजी पंजाब की जानब से हुकूमत को सजाओं में इजाफे का मुरासला जो है वो भिजवाने का फैसला किया गया है, जिसमें धाती डोर पतंगों की तैयारी पर 1 से 5 साल तक कैद, जबकि 5 लाख रुपये, 5 लाख से 20 लाख तक जुर्माना, दोनों सजाएं तजवीज़ की गई हैं। धाती डोर और पतंगे फरोख्त करने वालों से 1 लाख से 5 साल तक कैद, जबकि 2 साल से 5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पतंगबाजी करने वालों को 3 माह से 1 साल तक कैद और 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना जो है, ये दोनों सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामान फरोख करने वाले और दीगर जो सामान फरोख करने वालों की तशहीर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है और FIA को इस पर एक्टिव होने की दरख्वास्त की गई है। IG पंजाब की जानब से ये तमाम जो इकदाम है इस पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पंजाब की जानब से मुरासला हुकूमत को भिजवा दिया गया है। मुरासला हुकूमत को भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साहब।